जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जीता है और द्वंद्वात्मक दुनिया में जीता है, उसे समस्याओं पर भी विचार करते रहना चाहिए। जीवन की समस्या पर विचार करें, आसपास की समस्याओं पर विचार करें, समाज की समस्याओं पर विचार करें और आगे जाएं तो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करें। मैं भी समस्याओं पर विचार करता रहता हूं और समय समय पर आवश्यकता अनुसार कुछ समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूं। कल एक समाचार पढ़ा कि अमेरिका में भूखों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 2 करोड़ बताए होगी भूखे आदमी, और जो भोजन के भंडार है वहां जाकर रोटी खाते हैं उनको भी समस्या हो रही है। तो एक आश्चर्य हुआ, एक और चंद्रमा पर बसाने की कल्पना, मंगल पर यान उतारने की सफलता पर गर्व, और बहुत कुछ है, पर धरती पर आदमी है वह सुखी नहीं। अगर चंद्रमा और मंगल पर जाएंगे तो वहां और खराब कर देंगे। आदमी समस्या लेकर जाता है और समस्या पैदा कर देता है। एक आदमी बैलगाड़ी में अपना घर का सारा सामान लेकर चला, रास्ते में एक आदमी मिला, बोला भैया कहाँ जा रहे हो? कि जंगल में जा रहा हूँ। क्यों? कि गांव में गंदगी बहुत है। उसने कहा वापस चलो। क्यों? कि कम से कम जंगल को साफ रहने दो, तुम जाओगे तो वहां और गंदगी हो जाएगी। गंदगी आदमी तो पैदा कर रहा है, पैदा कौन कर रहा है? वापस चलो। ये समस्याएं बहुत सारी आदमी पैदा करता है। इसका कारण क्या है? कोई भी समझदार व्यक्ति चिंतन करे तो पता चलेगा कि वर्तमान की दुनिया में ज्ञान और व्यवहार की दूरी बढ़ती जा रही है, ज्ञान और आचार की दूरी बढ़ती जा रही है। और जब जब ज्ञान और व्यवहार की दूरी बढ़ती है, समस्याएं बढ़ जाती है। जब जब ज्ञान और आचार की दूरी बढ़ती है, ज्ञान एक दिशा में जाता है और आचार दूसरी दिशा में जाता है, कहीं मिलते नहीं है, पूरब पश्चिम का भी मेल नहीं है, तब समस्याएं बढ़ती है। समस्या के समाधान का सबसे बढ़िया कोई सूत्र है तो वह यह है कि हमारा ज्ञान व्यावहारिक होना चाहिए, जिससे व्यवहार अच्छा बने, आचार अच्छा बने, व्यावहारिक ज्ञान हो। अव्यावहारिक ज्ञान समस्या का समाधान नहीं करता। हजारों वर्ष पहले की बात है, आचार्य बहुश्रुत के पास 3 शिष्य पढ़ते थे, और प्राचीन काल में बहुत सारे ऋषि जंगलों में आश्रमों में रहते और शिष्यों को तैयार करते, व्यक्तित्वों का निर्माण होता था। आजकल जैसी स्थिति नहीं है कि परीक्षा ले ली हो गया, वे व्यक्तित्वों का निर्माण करते थे। 3 शिष्य पढ़ रहे थे और लंबे समय तक अध्ययन किया, पढ़ाई पूरी हो गई। अब आचार्य बहुश्रुत ने कहा कि कल तुम्हारी यह आश्रम से विदाई है, आज भी तुम अपने घर जाओगे, रहोगे, कल सुबह आना, कल तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी और अंतिम परीक्षा के बाद फिर आश्रम से तुम्हारी विदाई
समाज में जाओ और काम करो। ठीक है, समय दे दिया कि सूर्योदय के बाद तुम तीनों आ जाना। आचार्य ने भी परीक्षा की पद्धति निर्धारित कर दी। आजकल की परीक्षा की पद्धति अलग है और उस समय की परीक्षा की पद्धति अलग थी, और मौखिक परीक्षा और व्यावहारिक परीक्षा, आज भी परीक्षा में बहुत खामियां है और परिष्कार करने की जरूरत है। अभी अभी जयपुर की घटना पढ़ी, एक लड़की को लगा कि मैं उत्तीर्ण नहीं होऊंगी, परीक्षा का फल आने वाला उससे पहले आत्महत्या कर ली और बाद में फल आया था कि वह पास हो गई। एक ऐसा परीक्षा का चक्र आज बन गया कि एक मानसिक तनाव पैदा कर रहा है। उस समय की पद्धतियां भी भिन्न थी। अंतिम परीक्षा आज होनी है, कई परीक्षाएं पहले हो चुकी, अंतिम परीक्षा का समय, आचार्य दरवाजे पर बैठ गए देख रहे हैं और द्वार पर, द्वार के आसपास बाहर भीतर कांटे बिछा दिए। अब रास्ते में कांटे कैसे करें? पहला शिष्य आया और सोचा कि यही हमारी कोई परीक्षा है, कांटे चुभे तो चुभे, मुझे डरना नहीं है। कांटों के ऊपर से आया, कांटे चुभे, पैर लहूलुहान हो गए, तो भी भीतर पहुंच गए। दूसरा शिष्य आया, सोचा रास्ते में तो कांटे हैं, कैसे करूं? तो टेढ़ा मेढ़ा चला, इधर चला उधर चला, कांटों को बचाते हुए चला और पहुंच गया। कांटे चुभे नहीं, थोड़े बहुत चुभे, पर ज्यादा ऊपर से नहीं चला, पहुंच गया। तीसरा शिष्य आया, उसने देखा कांटे हैं, झाड़ू हाथ में लिया, कांटों को बुहारा, सब सफाई कर दी और फिर मजे से आ गया। आचार्य ने तीनों को देखा, तीनों के व्यवहारों को देखा और बैठे और बोले, देखो इतने वर्ष मैंने तुम्हें पढ़ाया और आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा, और अंतिम परीक्षा में एक तीसरा तो उत्तीर्ण है, तुम दो अनुत्तीर्ण। उसने कहा, गुरुदेव मैंने तो बहुत कष्ट सहा है कि उत्तीर्ण वही होगा जिसका ज्ञान व्यावहारिक है, जो कांटों को बुहारना जानता है, न कि कांटों को चुभाना जानता है, वही व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होगा जो कांटों को बुहारेगा और रास्ता साफ करेगा, जिससे स्वयं भी अच्छी तरह आ सके और दूसरे भी उस रास्ते से आ सके। ऐसे ज्ञान की जरूरत है, व्यावहारिक ज्ञान की, जिससे कांटों को बुहारा जा सके, न कि कांटों पर चलने की आदत डालें, कांटों को बुहार सके, यानी समस्याओं को सुलझा सके। यह बहुत जरूरी है, ज्ञान व्यवहारिक हमारे व्यवहार में आना चाहिए। बहुत तो पढ़ा लिखा और पढ़ाई के बाद देखा कि घर में है तो माता पिता तनाव में, वह स्वयं तनाव, शादी हो गई तो पत्नी तनाव में, स्वयं तनाव। इसका मतलब ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बना सकता। और बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखा है, जो बहुत तनाव का जीवन जीते हैं
और कुछ बड़े बड़े लोग आत्महत्या तक कर लेते। ज्ञान व्यावहारिक बनना चाहिए, ज्ञान से परिवर्तन आना चाहिए। आदतें बदले, स्वभाव बदले, क्रोध पर नियंत्रण आए, सहन करने की शक्ति बढ़े तो ज्ञान व्यावहारिक बनता है। और इन शक्तियों का विकास न हो तो फिर ज्ञान भी कहीं कहीं भार बन जाता है। संस्कृत में बहुत सुंदर लिखा गया, शास्त्रम भारो विवेकिनाम। जिसमें विवेक नहीं है उसके लिए शास्त्र भी भार बन जाता है, ज्ञान भी भार बन जाता है, पढ़ाई भी भार बन जाती है। हम ज्ञान को व्यावहारिक बनाएं। आज पूरी दुनिया की समस्या को देखें तो ये व्यवहार पर ध्यान कम जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं, उन पर ध्यान जा रहा है। अंतरिक्ष पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, होड़ लगी हुई है कि कौन अंतरिक्ष यान ज़्यादा छोड़ रहा है। और धरती पर रहने वाले दुख का जीवन जी रहे करोड़ों करोड़ों लोग, न जाने कितना दुखी है जिनको खाने को नहीं मिलता है। उधर हम चंद्रमा और मंगल ग्रहों की अंतरिक्ष की यात्रा कर और कुछ पा लेंगे। कभी कभी मन में आता है कि उनको तो वैसा ही रहने दो, उनको और गंदा कर देगा आदमी जाकर, उनको और दुखी बना देगा। जब तक जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझाते तब तक नहीं होता। हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक पक्ष है भौतिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, और एक पक्ष है आध्यात्मिक पक्ष, आंतरिक पक्ष। शरीर का पक्ष है कि आदमी शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर की सार संभाल करता है, भोजन करता है, शरीर के लिए सब कुछ करता है। दूसरा है चेतना का पक्ष, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देता है, ध्यान ही नहीं देता कि चेतना का पक्ष कैसा है, बड़ा विचित्र होता है। और जब तक हम दोनों पक्षों पर ध्यान न दें तब समस्याएं पैदा होती है। व्यवहारिकता के बिना समस्या, अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन, ट्वेन मार्क एक पुस्तक पढ़ने की जरूरत थी और पता चला लाइब्रेरी में नहीं है, मेरे पड़ोसी के घर में। उसके पास गया और जाकर बोला कि वह पुस्तक मुझे पढ़नी या मुझे पुस्तक दे दें और मैं पढ़कर जल्दी आपको वापस कर दूंगा, लौटा दूंगा। तो वह आदमी बोला, यह दुर्लभ पुस्तक है, यह पुस्तक मेरे घर से बाहर नहीं जा सकती, यहीं आकर पढ़ लो, बाहर नहीं जा सकती। अगर ज्ञान व्यावहारिक होता तो ऐसी बात नहीं कहता, ले जाओ पढ़ो, पढ़कर दे देना। किंतु ज्ञान और व्यवहार की दूरी ने काम कर दिया, ने पुस्तक नहीं दी, चला आया। एक सप्ताह के बाद वह पड़ोसी यहाँ आया मार्क ट्वेन के पास, आकर बोला, भैया आज मेरे घर में झाड़ू गुम हो गया, झाड़ू की जरूरत है, तुम्हारा झाड़ू दे दो, ले जाओ। बोला, मेरा झाड़ू बाहर नहीं जा सकता, देना हो तो यहीं आकर दे लो, न तो पुस्तक बाहर जा सकती, न झाड़ू बाहर जा सकता। ये जो हमारे ज्ञान और व्यवहार की दूरी की ओर इंगित कर रहे हैं। आज बहुत जरूरी है कि ज्ञान व्यावहारिक बने, यानी ज्ञान के बाद जीवन सुखी बने, स्वयं तनाव मुक्त जीवन जिए, परिवार को भी तनाव मुक्त रखे जीवन जीने दे, माता पिता पत्नी सबको, बच्चों को, और एकदम टेंशन फ्री तनाव रही जीवन जिए, आनंद का जीवन जिए, तो ज्ञान व्यावहारिक बनता है। अन्यथा ज्ञान तो ज्ञान, ज्ञान अलग रहता है, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे कोष्ठक हैं,
ज्ञान अलग रहता है और व्यवहार अलग रहता है। इसकी आज जरूरत है, जीवन के दोनों पक्षों की जरूरत है। हम जितना ध्यान शरीर पक्ष पर या भौतिक पक्ष पर देते हैं, उतना ही ध्यान हमारी चेतना के पक्ष पर और अध्यात्म पक्ष पर देना चाहिए। प्रवचन में लोग आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, रस लेते हैं, पर इतने में पर्याप्त न माने, यह प्रयत्न करें कि जो सुना है उससे हम चेतना को कैसे जागृत करें, चेतना को संवारें, चेतना का ऐसा निर्माण करें जिससे व्यवहार की कठिनाइयों को पार करें, तनाव में न जाएं और इस दुनिया में आने वाली समस्याओं को समझ सकें, झेल सकें और उनका समाधान खोज सकें। दोनों पक्ष बराबर चलने चाहिए। मुझे लगता है भौतिक पक्ष तो आज बहुत बढ़ रहा है और यह चेतना का पक्ष, अध्यात्म का पक्ष घट रहा है। एक परिवार आया, चोपड़ा परिवार गंगा शहर का, बड़ा परिवार है, बहुत पुराना, और जिस परिवार ने धर्म संघ की बहुत सेवाएं की है, शासन भक्त परिवार रहा है और दिन भर उनका कार्यक्रम चला। तो मैंने सुना, मैं सब पूरे कार्यक्रम में मैं नहीं रह सका, पर सुना कि उनको लगा कि भाई इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। केवल आर्थिक होना ही पर्याप्त नहीं है, केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है, केवल भौतिक पक्ष को प्रबल करना ही पर्याप्त नहीं है, किंतु हमारी अध्यात्म पक्ष को, धार्मिक पक्ष को, चेतना के पक्ष को भी पुष्ट करना चाहिए। बीकानेर का मूलचंद बोथरा का परिवार, सारे बच्चों को लाते हैं और उनको संस्कार भरते हैं। नहीं तो यह समय सामान्यतः गर्मी का समय, लोगों के घूमने का समय है, कोई हिमालय पर जाते हैं, हिमालय के आसपास, कोई विदेश जाते हैं, कोई कश्मीर जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, इसलिए कि गर्मी कम हो और अच्छा हो। यह भी सोचें कि गर्मी तो कम लगेगी, किंतु मस्तिष्क में जो गर्मी है उसको ठंडक करने का क्या उपाय आपने किया है, वह भी कुछ सोचा या नहीं सोचा। मस्तिष्क में भी इतनी उत्तेजनाएं रहती है, इतने आवेश रहते हैं, उनको शीतल करने का प्रयत्न किया या नहीं किया। एसी में तो रहा, बैठा है एसी में, सारा वातावरण ठंडा है, पर एक नौकर पर इतना गुस्सा आया कि सारी एसी समाप्त होगी, दिमाग गर्मा गया। सबसे पहले ये सोचें कि शरीर वातानुकूलित वातावरण में रहे, ठंडा रहे, दिमाग ठंडा रहे। दिमाग भी बाहर का नहीं, हमारे भीतर का जो ग्रे मैटर है, हमारे भीतर में जितने संपर्क सूत्र हैं, जितने न्यूरॉन्स हैं, उनके संबंध कैसे रहें, कैसे भी अच्छे रहें और कैसे अच्छा जीवन जी सकें। अगर धर्म के द्वारा एक धार्मिक आदमी अपने जीवन में इतना परिवर्तन नहीं करता है कि दिमाग को ठंडा कैसे रखा जाए। एसी का प्रयोग तो शायद गर्मी में भी करते हैं, सर्दी ज़्यादा वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ रहने वाले भी गुस्से में बहुत रहते हैं। हम ऐसा भी करें कि भयंकर गर्मी में रहकर भी और दिमाग बिल्कुल ठंडा रहे, कहीं उत्तेजना आवेश न आए और सारा शरीर शांति के साथ रहे। इन दोनों पक्षों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, केवल एक पक्ष पर नहीं। मुझे लगता है कि वर्तमान की आर्थिक और भौतिक दुनिया में एक पक्ष पर तो बहुत ध्यान जा रहा है, दूसरे पक्ष पर बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है।
बस अगर आप समस्या को सुलझाना चाहते हैं, चाहे व्यक्ति से चाहे परिवार की समस्या, मैंने बहुत परिवारों को देखा कि लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, किंतु जब से प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग किए और दिमाग को ठंडा किया, बड़ी शांति के साथ जी रहे हैं। भाई लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है। आज ही एक युवक आया असम से, एक दिन ऐसा था कि जिसको कहें कि कैसा आदमी है कि नहीं है, आज प्रयोग किया और दिमाग ठंडा है, बिल्कुल अच्छा आदमी बन गया है। तो दोनों पक्ष, मैं ये नहीं कहता कि आर्थिक पक्ष की बात न करें, छोड़ नहीं सकते, भौतिक पक्ष को आप छोड़ नहीं सकते, आर्थिक और भौतिक पक्ष को नहीं छोड़ सकते, किंतु साथ साथ दूसरा पक्ष भी रहे। हमारे शरीर की रचना को देखें, हाथ दो हैं हमारे, एक हाथ नहीं है, पैर भी दो हैं, आंखें भी दो हैं, हमारा नर्वस सिस्टम नाड़ी संस्थान है, वह उसके तो तीन भाग है, एक दायां, एक बायां और एक और है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मध्य का नर्वस सिस्टम और है, तब शरीर ठीक काम चलता है। वैसे ही ऐसी मानसिकता का निर्माण करें और ज्ञान को इस प्रकार काम में लाएं जिससे कि हमारा मस्तिष्क संतुलित बन जाए। बस एक शब्द में बात समाप्त करता हूँ, व्यावहारिक ज्ञान वह है कि जिसका मस्तिष्क संतुलित है, जो समन्वय करना जानता है, जिसमें सापेक्षता है, अपेक्षा को समझता है, सापेक्षता है। अगर यह सापेक्षता, सामंजस्य, संतुलन आ जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए जीवन के दोनों पक्षों पर विचार करें, दोनों पक्षों पर, केवल एक पक्ष के द्वारा सब कुछ न करें। ओम आर्हम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु।